चंद्रकांता की कहानी। एक भाई देख तो आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के कुछ पुराने मज़ेदार धारावाहिकों की यादों की कि उस समय के धारावाहिक कितने अच्छे थे। जब कभी हम देखते हैं दोस्तों तो वाकई में दिल में कुछ कुछ जरूर हो जाता है। जैसा कि आपने इस लॉकडाउन में लगभग बहुत सारे धारावाहिक देखे होंगे और देखकर आपको भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उस दशक में टीवी बहुत ही कम घरों में हुआ करती थी और टीवी देखने के लिए बड़ा ही क्रेज था। जिसके घर में दोस्तों टीवी होती थी ना, उसके घर में अक्सर आपको 10, 20, 50 लोगों की भीड़ देखने को ही मिलती थी। चाहे उस समय रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे अलिफ लैला आ रहा हो, चाहे चंद्रकांता आ रहा हो, चाहे देख भाई देख, बहुत सारे दोस्तों मज़ेदार धारावाहिक आते थे और उनको देखने के लिए हम टीवी में जाया करते थे। अक्सर हमारे घर में कम टीवी हुआ करती थी। अक्सर दोस्तों उस ज़माने में सभी के घर में टीवी नहीं हुआ करती थी और जिसके घर में टीवी थी हम उसके घर में टीवी देखने जाया करते थे। और टीवी देखते समय दोस्तों वाकई में बहुत ही आनंद आता था। हमारे सब जितने भी दोस्त थे, हमारे जितना ग्रुप था, सारे टीवी में आगे बैठ जाया करते थे। कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो पीछे बैठ जाया करते थे। फिर जैसे ही धारावाहिक स्टार्ट होते थे वाकई में दोस्तों वो देखने का आनंद था ना, जो ब्लैक एंड वाइट शटर वाली टीवी में। वो अभी दोस्तों आप HD, फुल HD, 4K जितने भी आपके पास टीवी है ना, उनमें आप देख लो, आपको वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, वो था दिल्ली दूरदर्शन, और उस पर जो धारावाहिक आते थे ना उनको देखने का मज़ा ही कुछ और था। और अभी आप देख रहे हो लगभग चैनलों की तो बाढ़ आ गई है, 1000-2000 चैनल आपकी टीवी में है। और टीवी भी दोस्तों आपके पास बेहतरीन बेजती फ्लैट टीवी है दोस्तों, 4K क्वालिटी है, HD, 4HD, मतलब कुल मिला के बेहतरीन क्वालिटी में आप मनोरंजन कर रहे हैं इस समय। लेकिन आप सच सच बताना कि उस समय के मच्छरों में जो टीवी देखने का आनंद था वो आपको अभी HD और फुल HD में है क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों उस ज़माने के जो एहसास थे, जो धारावाहिक थे और जो देखने का आनंद था, जो अपनापन था, वो इस ज़माने में नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में हम टीवी देखने के लिए एक उत्साह हुआ करता था, अब दोस्तों वो उत्साह ख़त्म हो गया है और हम टीवी अब बहुत ही कम देखाते हैं। और इस ज़माने में हम टीवी लगभग ना के बराबर ही देख पाते हैं। उसका कारण यही है कि सबकी अलग अलग टीवी हो गई हैं। पहले दोस्तों हम एक साथ बैठकर देखते थे, अब एक साथ बैठने वाले ना तो फिल्में हैं, ना ऐसे धारावाहिक हैं, ना ऐसा कुछ है। तो हम बात कर रहे थे 1980, 1990 और 2000 के दशक के बेहतरीन पुराने धारावाहिक। सबसे पहला धारावाहिक था जो कि था रामानंद सागर जी की रामायण। दोस्तों वाकई में बहुत ही अद्भुत रामायण बनाकर गए हैं रामानंद सागर जी। और अभी भी जब लॉकडाउन में उसका पुनः प्रसारण हुआ दोस्तों, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। या तो सोचो पुरानी चीज़ों में कितना पावर था, पुरानी कितनी बेहतरीन चीज़ें थी हमारे ज़माने की, जो कि इस ज़माने में भी दोस्तों धाक मचा रही हैं, और वो है हमारी रामानंद सागर जी की रामायण। वाकई में रामायण को देखने का जो आनंद था उस समय, हम तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते और आप भी शायद छोटे होंगे, तो दोस्तों हम आगे बैठ जाया करते थे, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन टीवी देखने का आनंद ही कुछ और था। उसके बाद दूसरा धारावाहिक था महाभारत, जो कि B.R. चोपड़ा जी की महाभारत। वाकई में दोस्तों महाभारत भी अद्भुत है, क्योंकि उसमें जितने भी कलाकारों ने अभिनय किया है, वाकई में ऐसा अभिनय कोई कर नहीं सकता। अभी भी आपने इस लॉकडाउन में महाभारत भी देखी है, तो महाभारत में बहुत सारी यादें हैं। और हम अक्सर पड़ोसी के घर पर महाभारत देखने जाया करते थे। जब वो टाइटल सॉन्ग स्टार्ट होता था, अति श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की, जैसे ही आवाज़ लगती थी दोस्तों, जैसे ही सुनते थे, पैसे ही भागते थे महाभारत देखने। तो वाकई में दोस्तों महाभारत भी अद्भुत थी। महाभारत के बाद मैं बात करूंगा दोस्तों चंद्रकांता की। वाकई में दोस्तों
बेहतरीन धारावाहिक था और इसको हमने कई बार देखा है। वही क्रूर सिंह का दोस्तों कू कहना, इसके बाद चंद्रकांता की प्रेम कहानी, और दोस्तों बेहतरीन धारावाहिक था और इसको देखने की यादें अभी भी हमारे जहन में हैं। तो चलिए आपको इसका टाइटल सॉन्ग सुनाता हूँ। दोस्तों एक धारावाहिक आता था जी टीवी पर, उस समय क्या दोस्तों केबल का विस्तार हो गया था। दूरदर्शन के बाद धीरे धीरे दोस्तों 1990 में फिर केबल का विस्तार होने लगा था और उस समय कुछ ही कम चैनल चला करते थे, जैसे कि ATN है, जी टीवी है। तो जी टीवी पर दोस्तों ये धारावाहिक आता था जिसका नाम था हम पाँच। अशोक सराफ जी की उसमें मेन भूमिका में थे, उसमें उनकी पाँच लड़कियाँ थी। बड़ा ही शरारती धारावाहिक था। जब कभी इसका हम टाइटल सॉन्ग सुनते हैं ना तो हमको बचपन की यादें निश्चित ही ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए आप भी इस टाइटल सॉन्ग सुनिए। मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच, दोस्तों हम पाँच के बाद देख भाई देख, बोमकेश बख्शी, बहुत सारे धारावाहिक ऐसे थे जिनमें हमारी बचपन की यादें छुपी हैं, बचपन का एहसास छुपा है, बचपन की वो खुशियां छुपी हैं। जब कभी इन धारावाहिकों को सुन लेते हैं या टाइटल सॉन्ग सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख। ये बचपन के हमारे धारावाहिक थे, बड़े ही अद्भुत थे, बड़े ही मज़ेदार थे और इनको अभी भी हमको देखने को मन करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय टीवी देखते समय लाइट बहुत जाया करती थी और जैसे ही लाइट गई दोस्तों बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस समय जो धारावाहिक गया ना वो सिर्फ गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इस ज़माने में आप देख सकते हैं उसका रिवर्स, हम देख सकते हैं रीटेक, देख सकते हैं दोबारा वो प्रसारित होता है, पुनः प्रसारण भी होता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, पुनः प्रसारण किसी भी धारावाहिक का नहीं होता था। जैसे ही कोई एपिसोड गया मतलब गया, बहुत ही बुरा लगता था कभी कभी। और हम बहुत मिन्नतें किया करते थे कि लाइट आ जाए, जब कभी लाइट आती थी तुरंत भागते थे, ऐसे भागते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा एक धारावाहिक बहुत ही अच्छा था जो कि हम बचपन में उसको ही देख कर बड़े हैं, वो था दोस्तों हमारा सुपर हीरो शक्तिमान। दोस्तों शक्तिमान धारावाहिक वाकई में हमारा सुपर हीरो था और है और रहेगा, क्योंकि हम उसको ही देखकर बड़े हुए हैं। और शक्तिमान हमारे मुकेश खन्ना जी ने वाकई में उसमें अद्भुत अभिनय किया था और उसमें जितने भी कलाकारों ने अभिनय किया है वाकई में वो तारीफ के काबिल है। अभी भी हम शक्तिमान देखते हैं तो हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि दूरदर्शन के युग में हमने बहुत सारे धारावाहिक देखे हैं और उनको देखकर ही हम बड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़माने के धारावाहिक आपने कोई सा ऐसा धारावाहिक है जो आपको याद होगा, आपके जहन में याद होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आप देखते ही नहीं हैं। क्योंकि जिन्होंने 80 और 90 के धारावाहिक देखे हैं वो आज के धारावाहिक देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो आनंद ही नहीं आने वाला। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई लौटा दे वो 80 और 90 का ज़माना, वाकई में अद्भुत ज़माना था। अभी ज़माना हम 2021 में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही एडवांस हो चुकी है, हर कुछ आसान और सरल हो गया है। लेकिन उस ज़माने में हमको कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ती थी। जैसा कि आप जानते हैं उस ज़माने में, अभी हमारे हाथ में मोबाइल है, हम किसी को फ़ोन लगा दें तुरंत बात हो जाती है, वीडियो कॉल कर लीजिए, चैटिंग कर लीजिए, बहुत कुछ दोस्तों आसान हो गया है। लेकिन उस ज़माने में आपको याद होगा कि किसी से हमको बात करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, चिट्ठी डालने के लिए। बड़े चिट्ठी के भी दोस्तों बहुत ही ज़माना था, बहुत ही यादगार दिन थे। बड़े हम चिट्ठी लिखा करते थे, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया करते थे और चिट्ठी में दोस्तों 2-3 जगह शेर शायरी का भी उपयोग किया करते थे। ये चिट्ठी जाना हवा की स्पीड में
और सनम तेरी याद में, मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो कि चिट्ठियों के माध्यम से ही हम आदान प्रदान किया करते थे। और चिट्ठी पढ़ना और पोस्टमैन का इंतज़ार करना, सच सच बताना यारो पुराने दिन मिस करते हो कि नहीं, सच सच बताना यारो पुराने दिन मिस करते हो कि नहीं। आई होप आज के वीडियो में आपको पुराने दिनों की कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी और दूरदर्शन के कुछ उन दिनों की यादें ताज़ा हो गई होंगी जिन दिनों में आप बड़े हुए हैं और इन दिनों को आपने नज़दीकी से देखा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी कोशिश अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं आप किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पुरानी यादें ताज़ा करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।